बहुत स्वागत है आपका खेल कड्डा में। मैं हूं आपके साथ सुदीप राजपूत। वर्ल्ड कप 2023 का तीसरा मुकाबला आज अफगानिस्तान और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। आपको बता दें, ये मैच पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में होगा। इन दोनों टीमों के लिए सेमीफाइनल की रेस में बने रहने के लिए ये मुकाबला करो या मरो वाला होगा। ऐसे में दोनों ही टीमें जीत के लिए पूरा जोर लगाएंगी। दोनों ही टीमें ने अपने 5 में से 2 मैच जीते हैं और दोनों के 4 अंक हैं, लेकिन बेहतर रन रेट के कारण श्रीलंका की टीम पॉइंट्स टेबल में 5वें और अफगानिस्तान 7वें स्थान पर है। अगर अफगानिस्तान और श्रीलंका अपने आखिरी 4 में से 3 मैच जीतते हैं तो दोनों टीमों के 10 अंक हो जाएंगे। ऐसे में इनके पास भी सेमीफाइनल में पहुंचने का मौका होगा। लेकिन जिस तरीके से इस पुणे की पिच को बैटिंग पिच के लिए एक वरदान माना जाता है, यानी कि इस पे बल्लेबाजों का बोलबाला रहता है, तो ऐसे में आज गुरबाज के पास, इब्राहिम जादरान के पास, मोहम्मद नबी के पास, सबके पास चांस है कि इस मैच में अच्छा स्कोर खड़ा करें। हालांकि अफगानिस्तान को बाकी 4 मैच में से 2 मैच ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का सामना करना है, जबकि श्रीलंका को भारत और न्यूजीलैंड से भिड़ना है। ऐसे में दोनों टीमों के लिए सेमीफाइनल की रेस में इतना आसान नहीं होगा, यानी दोनों ही टीमों के लिए सेमीफाइनल की राह आसान नहीं रहने वाली है। दोनों टीमों के बीच हुए पिछले 5 वनडे में श्रीलंका का ही पलड़ा भारी रहा है। श्रीलंका ने 5 में से 4 मैच जीते। दोनों ही टीमें वर्ल्ड कप 2023 में अपना पिछला मुकाबला जीती हैं, यानी कि इनका जो मनोबल है वो बहुत अच्छा होगा। श्रीलंका ने जहां इंग्लैंड को हराया था, तो वहीं अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को शिकस्त देकर बड़ा उलटफेर किया था। अफगानिस्तान और श्रीलंका दोनों के पास अच्छे स्पिनर गेंदबाज हैं और पुणे के विकेट से स्पिनर को मदद मिल सकती है। हालांकि शाम के वक्त में ओस का असर हो सकता है, ऐसे में टॉस की अहम भूमिका होने वाली है। आपको बताते चलें, अफगानिस्तान के कप्तान हजमतुल्ला साहिदी भी इस समय अपने आप में एक रिकॉर्ड के बनाने के कागार पर खड़े हैं, यानी कि 2000 वनडे रन पूरा करने के लिए मात्र 57 रन दूर हैं। इस विश्व कप में वो 1 अर्धशतक जमा चुके हैं और कई अहम मौकों पर टीम के लिए अच्छी पारियां खेली हैं। ऐसे में आज अफगानिस्तान की टीम को, अफगानिस्तान के मैनेजमेंट को हसमतुल्ला अपनी कप्तान से काफ़ी उम्मीदें होंगी। वहीं अगर बात की जाए, पुणे में हाल ही में हुए मुकाबलों में बल्लेबाजी की बल्ले बल्ले रही है। हालांकि स्पिन गेंदबाजों को भी विकेट से मदद मिली है। दोनों टीमों के पास अच्छे स्पिन अटैक हैं। ऐसे में इस मैच में दोनों टीमों के स्पिनर्स के बीच दिलचस्प जंग देखने को मिल सकती है। शाम के वक्त ओस का असर रह सकता है, ऐसे में टॉस की भूमिका अहम होने वाली है। वहीं अगर आप बात करेंगे श्रीलंका की जो टीम है, चाहे पथमन सिंका हो, चाहे कुशल परेरा हो, चाहे जसमुंता करुणा रत्ने या कुशल मेंडिस हो, इस मुकाबले में आप देखेंगे पथमन सिंका और कुशल मेंडिस शानदार फॉर्म में है। वहीं अगर बात की जाए कुशल परेरा, तो जिस तरीके के बल्लेबाज है ओपनर बल्लेबाज, वो कुछ खासा प्रभाव इस पूरे वर्ल्ड कप में नहीं डाल पाए और वो मात्र 10 रन 5 रन 2 रन के स्कोर में अपना विकेट हमेशा गंवा देते हैं। लेकिन जिस तरीके से इस मैच में सदीरा समर विक्रमा और चड़ता श्रीलंका ने मैच खेला है, उससे काफ़ी उम्मीदें होंगी आज श्रीलंका ही टीम को। वहीं अगर दूसरी तरफ आप बात करेंगे अफगानिस्तान की, तो उनके पास जो स्पिन की तिकड़ी है वो अपने आप में इस मैच में अहम भूमिका निभाने वाली है। चाहे हम बात कर लें मोहम्मद नबी की, चाहे बात करें राशिद खान की या मुजीबुर रहमान की, अब तो उनके पास एक अतिरिक्त गेंदबाज भी आ गया है, यानी कि फजल फारूकी भी अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। वहीं अगर बात करेंगे हम बैट्समैनों की, तो रहमानुल्लाह गुरबाज से आप सब वाकिफ होंगे किस तरीके से उन्होंने पारी खेली है। इब्राहिम जादरान को आप सब जानते हैं किस तरीके से बैटिंग करते हैं। हसमतुल्ला साहिदी कप्तान भी अच्छे फॉर्म में दिख रहे हैं, यानी कि इस पूरे मैच में आज बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिलेगा, अच्छी बाउंड्री देखने को मिलेगी, क्योंकि इस पिच पर जो औसतन स्कोर है वो समथिंग 300 का है, यानी कि पहली पारी में इस पिच पर 300 रन के लगभग बनते हैं। ऐसे में बड़े हिट्स मिलेंगे और करामाती खान के कुछ अच्छे स्पिन गेंदबाजी मिलेगी आपको। फिलहाल 2023 वर्ल्ड कप जो है इस समय वाकई में एक अहम मोड़ पर पहुंचा है, जहां पर किसी को यह नहीं पता है, अगर आप बात कर लें न्यूजीलैंड, इंडिया और साउथ अफ्रीका को छोड़कर, कि कौन सी टीम सेमीफाइनल की रेस से बाहर होगी, कौन सी टीम सेमीफाइनल की रेस में जा सकती है। फिलहाल वर्ल्ड कप से जुड़ी तमाम अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज वर्ल्ड इंडिया के साथ। धन्यवाद।